सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला चैलेंज। और गाइस, ये चैलेंज होने वाला है अल्टीमेट नॉकआउट चैलेंज। फिलहाल तो गाइस, तुम लोग देख सकते हो मैं इस वक्त खड़ा हूँ भाई मौत के मुंह में। अरे ज्यादा मौत से खेलो मत यार, नीचे ही टपक जाओगे। सही कह रहा है यार, वापस आना पड़ेगा। गाइस, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सबसे ऊंची बिल्डिंग लॉस सेंटोस की, यानी मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर। और सामने की तरफ है गाइस अपने तीन कंटेस्टेंट शिनचैन, पिनचैन और साथ में है अपना भाई साहब कलवे, मेरा नाम थोड़ा जोर से लियो। ठीक है भाई। साथ में गाइस अपना दी अल्टीमेट लेजेंड प्रो चॉप भाई साहब कलवे, ये तो बहुत ही तबाही वाला इंट्रो था। अरे फैमे हमारा भी इंट्रो ऐसे ही लो यार। अबे इंट्रो छोड़ा ना यार, पहले गाइस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज का चैलेंज क्या है। अरे हाँ यार, हमें भी थोड़ा समझाओ, सुबह सुबह उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए, चैलेंज तो हमें बताया ही नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हें चैलेंज नहीं बताया? अरे हाँ, नहीं बताया। अरे फैमे यार, चैलेंज तो बताओ। अबे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। देखो गाइस, चैलेंज कुछ इस प्रकार है कि इस चैलेंज में है पूरे के पूरे तीन लेवल्स। अरे हाँ यार, फिर ये है हम लोग लेवल थर्ड पर, फिर जाएंगे लेवल सेकंड और फिर उसके बाद लेवल फर्स्ट। अरे ये तो उल्टा बता दिया यार, हमेशा लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री होता है। लेकिन ये मेरी गेम है, इसमें लेवल उल्टा चलेगा। अरे ठीक है यार, ठीक है। तो देखो गाइस, होने कुछ ये वाला है कि हम लोग गाइस अभी खड़े हैं लॉस सेंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर और ये है लेवल थ्री। गाइस होगा ये कि अपने जो शिनचैन और पिनचैन है आपस में भिड़ेंगे। अरे भिड़ेंगे मतलब एक दूसरे को तुम लोग मारोगे पीटोगे? अरे फैमे फिर क्या, जो एक दूसरे को मार पीट कर दूसरे वाले को धक्का दे देगा बिल्डिंग से, वो गाइस आउट। और जो भाई साहब बिल्डिंग पर टिका रह जाएगा वो हो जाएगा विनर। अरे फैमे पक्का? हाँ पक्का, यही होने वाला है। तभी तो गाइस मजा आएगा यार। भाई साहब, जब एक नीचे जाकर गिरेगा और एक भाई ऊपर ही रह जाएगा। अरे यार, लेकिन नीचे गिरकर हम टपक गए तो? अबे ऐसे कैसे टपकोगे भाई, तुम लोगों को पैराशूट भी दिए जाएंगे। अरे पैराशूट सही टाइम पे नहीं खुला तो? तो भाई साहब, तुम लोगों को मैं एकदम मस्त वाले कपड़े भी देने वाला हूँ। अरे अलग कपड़े क्या? अलग तो खैर कपड़े नहीं है, लेकिन मतलब ऐसी चीजें देने वाला हूँ जिससे तुम लोग भाई थोड़े मजबूत हो जाओगे और तुम लोग नीचे गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। ओ तू ऐसा क्यों सोच रहा है, पैराशूट नहीं खुलेगा? पैराशूट खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। अरे फैमिली ठीक है यार, वैसे ये चैलेंज सुन के तो बड़ा मजा आ रहा है यार। वैसे भाई पहले पूरा चैलेंज तो सुन लो। अरे अभी ये पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं भाई, अभी इतना ही नहीं है गाइस। फिर हम लोग जाएंगे सेकंड लेवल पर और सेकंड लेवल पर जो ये प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगा और भी ज्यादा छोटा। और उसके बाद गाइस हम लोग जाएंगे लेवल थर्ड पर और प्लेटफॉर्म हो जाएगा लगभग ये जो लाल गोला नहीं देख रहे तुम, ये छोटा सा, इसके बराबर। अरे फैमे फिर क्या, इस छोटे से गोले पर फिर तुम लोग दोबारा फाइट करोगे और भाई साहब जो गिर जाएगा वो हार जाएगा और जो टिका रह जाएगा वो जीत जाएगा। अरे ये तीन लेवल में से जो दो लेवल जीत गया वही विनर। अबे हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात है शिनचैन। अरे वो तो मैं हूँ ही होशियार। ओके सो गाइस, यहाँ पर दो लेवल जो जीतेगा वही हो जाएगा विनर और विनर को मिलेगा एक चमचमाता प्राइज। अरे क्या प्राइज है यार? प्राइज तो तुम्हें जीतने के बाद ही दूंगा मैं। अरे ठीक है यार, वैसे कब स्टार्ट कर रहे हो? अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चौप भाई साइड में हो जाए। वैसे गाइस, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक करो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। अरे हाँ गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस, अभी कभी जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम लोग गाइस कमेंट में लिखो यार, तुम लोगों को क्या लिखता है आज का जो ये अल्टीमेट नॉकआउट चैलेंज है, ये कौन जीतेगा? अरे फैमे मैं जीतूंगा। अरे तो मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं जीतूंगा। अरे लड़ो मत भाई, अभी जब नॉकआउट चैलेंज स्टार्ट होगा तब तुम लोग लड़ना। अरे ठीक है यार, वैसे तुम जाकर साइड में खड़े हो जाओ। आधा भाई चौप, वैसे बात सब कल मैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, तो मैं क्या सोच रहा था मैं घर जाके सो जाऊं क्या? ओए चुप हो जा, शांति से, ये वाला चैलेंज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अरे फैमे आई एम रेडी। और तू भाई पिनचैन? अरे मैं भी हूँ रेडी। ओके सो गाइस, यहाँ पर भाई साहब चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, दोनों की फाइट अभी स्टार्ट ही होने वाली है। अरे फैमे चलो स्टार्ट करो। ओके सो स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। अरे चलो पिनचैन, मैं तुम्हें धक्का देकर गिरा दूंगा मेज बैंक बिल्डिंग से। अरे यार शिनचैन, मैंने भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली, अभी तुम्हें बताता हूँ, ये लो। अरे मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, ये लो। सो गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर शिनचैन फटके पे फटके दिए जा रहा है पिनचैन को और गाइस भाई साहब पूरा उलाट ही दिया इसने तो। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल कर रखा है शिनचैन ने। गाइस यहाँ पर भाई साहब पिनचैन को कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। अरे फैमिली आप देखो यार, मैं कैसे इसे
गिराता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पर शिनचैन काफी ज्यादा आतुर है इसको गिराने के लिए, देखते हैं गाइस क्या ही होता है। फिलहाल तो भाई साहब ये क्या, पिंचन का बहुत ही तगड़ा वाला बार। अरे फैमे यार ये तो बहुत ही बुरी तरीके से फाइट कर रहा है। ओके सो गाइस, भाई साहब पिंचन को ऐसा फटका दिया बेहोशी हो गया पिंचन तो। ओके सो गाइस, यहाँ पर लड़ाई क्या मोड़ लेने वाली है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि गाइस इन लोगों में से कौन जीतने वाला है, कोई सा भी बॉर्डर पर जाने को रेडी नहीं है। अरे फैमे मैं जीतूंगा, अरे मैं जीतूंगा मैं। ओके सो गाइस, दोनों में से कोई सा भी किनारे अभी तक नहीं पहुंचा है, लड़ाई कौन जीतने वाला कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे ये लो पिंचन। ओके सो गाइस, ये लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भाई शिनचैन उतर चुका है। शिनचैन भाई तो खुद त्याग देने वाला है क्या? अरे फैमे नहीं, ये मेरी एकदम मस्त वाली ट्रिक है, देखो मैं कैसे जीता हूँ। अरे पिंचन आ जाओ मारो मारो मारो। सो गाइस, यहाँ पर जो पिंचन है वो आता हुआ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, पता नहीं शिनचैन ने क्या ही चाल चली है। अरे फैमे यार रुक जाओ यार, पिंचन आओ ना, मारो मारो मारो। कहीं ये भाई साहब उसको बुलाकर यहाँ से हटकर उसको धक्का तो नहीं देने वाला, देखते हैं गाइस क्या होता है। सो गाइस, पिंचन और शिनचैन दोनों के दोनों आ चुके हैं इसके ऊपर। अरे फैमे देखो यार मैं क्या करता हूँ। ओके सो गाइस, देखते हैं क्या ही होता है यहाँ पर। ओके ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, पिंचन शिनचैन के जाल में फंस चुका है। और गाइस यार यहाँ पर जो शिनचैन है वो फाइनली इस वाले नॉकआउट चैलेंज को जीत चुका है। अरे ये तो गलत बात है, मेरे को नीचे गिरा दिया वो भी चाल चल के। अरे इसे चाल नहीं कहते पिंचन, इसे दिमाग लगाना कहते हैं यार। गाइस यार मेरे को लग ही रहा था कि शिनचैन यही कुछ करने वाला, भाई साहब मान जाना पड़ेगा इसे। अरे फैमी अब लाओ दो मेरा प्राइज और चल बे। तीन लेवल बोले थे, अभी तूने फर्स्ट वाले ही जीता। गाइस देखते हैं यार सेकंड वाले पे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो स्कोर है शिनचैन का 1, पिंचन का 0, जो दो लेवल स्कोर करेगा वही जीतेगा। ओके सो तुम लोग लेवल 2 पर जाने के लिए रेडी? अरे फैमी हाँ बिल्कुल रेडी। ओके सो गाइस आजा भाई साहब। भाई साहब कल भैया जल्दी चल यार, मेरे को भी अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ भाई साहब, मेरे को देखना आखिर इन लोगों में से जीतेगा कौन। ओके ओके सो गाइस यार, मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप से हम लोग वापस आ चुके हैं नीचे की साइड। अभी जाते हैं गाइस लेवल 2 का कंपटीशन करने के लिए फटाफट से अगली बिल्डिंग पर। अरे ये अगली बिल्डिंग कौन सी है? ये बिल्डिंग होने वाली है गाइस न्यूज वालों की बिल्डिंग। अरे वो मना नहीं करेंगे क्या? अबे चल चल, उनको पता ही नहीं लगेगा भाई, हम लोग चुपके से वहाँ पर चैलेंज कर लेंगे। वैसे जो न्यूज वालों की बिल्डिंग है गाइस, यहाँ से थोड़ी सी आगे जाने पर वो देखो यार तुम लोगों को बीच में वो झंडा है कि टावर सा, पता नहीं क्या कुछ दिख रहा है। अरे हाँ मुझे दिख रहा है, हम लोगों को वहीं पर जाना है। वैसे बात साहब कल तूने परमिशन नहीं ली, अगर उसके गार्ड ने भगा दिया तो? ऐसे कैसे गार्ड भगा देगा भाई। ओके सो गाइस, ये रही यार न्यूज वालों की बिल्डिंग, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अरे फैमिया चलो यार मजा आएगा। वैसे तू भाई साहब जीत गया इसलिए तुझे मजा आएगा। पिंचन भाई तू क्या कहना चाहता है इस बार? अरे फैमिया इस बार तो कुछ भी हो जाए यार मैं ही जीत के रहूंगा। ओके देखना गाइस उस बार मामला दिलचस्प होने वाला है, देखते हैं कौन जीतता है। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग लेवल 2 पर, और ये लेवल 2 सच में बहुत ही ज्यादा दमदार और बिल्कुल ही अलग होने वाला है गाइस। अरे फैमे अब चालू भी करो यार, तुझे बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है। अरे हाँ यार जल्दी से मैं जीत कर ये देखना चाहता हूँ कि आखिर में मेरा प्राइज है क्या। अच्छा भाई साहब ठीक है अभी पता चलेगा। ठीक है भाई तुम लोग रेडी? अरे फैमे हाँ यार रेडी। वैसे यार एक बात पूछनी थी। क्या भाई? अरे यार अगर दोनों ही गिर गए तो? दोनों ही गिर गए तो भाई वो जीतेगा जो बाद में जमीन को टच किया है। अरे मतलब जो बाद में गिरेगा? हाँ जो बाद में गिरेगा। ठीक है यार। ओके सो गाइस लेवल 2 स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 हमला। अरे फैमे ये देखो यार, अरे इस बार भी तुम्हें हरा कर पिंचन जीत लूंगा मैं इस बार नॉकआउट चैलेंज को। अरे इतना कमजोर समझा है क्या? अरे हाँ तुम तो कमजोर लुल्लू पुल्लू हो। अरे मेरे को लुल्लू पुल्लू बोला? अबे तो भाई हराना, हरा के दिखा पिंचन तू। अरे फैमे यार ये तो खुद ही गिर गया। अबे भाई साहब बिल्डिंग से नीचे गिरना है। अरे फैमे यार ठीक है आ जाओ आ जाओ पिंचन नीचे आ जाओ। भाई साहब गाइस अगर पिंचन को इस बार का मुकाबला जीतना है तो भाई साहब उसे कुछ भी करके शिनचैन को नीचे की साइड गिराना होगा। वैसे यार जिस तरीके से अभी फिलहाल पिंचन पिट रहा है, लगता तो नहीं है कि शिनचैन को वो गिरा पाएगा। अरे फैमे देखते जाओ क्या होता है। ओके ओके देखते हैं गाइस, लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। ओके यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से। ओ भाई शिनचैन क्या कर रहा है तू? अरे फैमे चढ़ के
के ऊपर आ गया, आजा पिंचन मारो। अरे रुको यार। सो गाइस यहाँ पर पिंचन भाई साहब मारने के लिए आ रहा है शिंचन को, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब एक लात भर के मारी गई है और यहाँ पर एक और लात भाई साहब। पिंचन यहाँ पर पूरे अटैक मोड में है, शिंचन यहाँ पर बार बार मिस कर रहा है, लेकिन एक और फटका यहाँ पर पिंचन को पड़ता हुआ। अरे भाई मैं नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। सो गाइस यहाँ पर शिंचन भाई साहब फाइनल अटैक मोड में। अरे भाई मैं रुको रुको यार, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे मैं तो इधर आ गया, अरे अरे एक सेकंड मुझे ऊपर आने दो। अरे तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी ना चढ़ने दूंगा यार, रुको रुको अभी तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराता हूँ। अरे ये लो यार तुम्हें अभी गिराता हूँ, ये लो शिंचन गया। अरे भाई मैं गया शिंचन। सो गाइस यार यहाँ पर भाई साहब इस वाले मैच में ये हुआ कि गलती से गाइस शिंचन पिंचन को मारने के चक्कर में उधर चला गया, और भाई साहब जैसे ही शिंचन आने की कोशिश कर रहा था गाइस पिंचन ने एकदम बिना देरी करते हुए बहुत ही ज्यादा तगड़े दिमाग के साथ शिंचन के ऊपर हमला कर दिया और शिंचन को भाई साहब नीचे की साइड ढेर कर दिया। भाई साहब बहुत ही बढ़िया यार पिंचन। अरे भाई थैंक यू यार। वैसे गाइस सच में यार मानना मुश्किल है, लेकिन गाइस जो स्कोर है वो हो चुका है 1-1। अब देखते हैं गाइस जो लास्ट स्कोर है वो कौन करता है, जो लास्ट स्कोर करेगा वही आज का विनर होगा। अरे भाई मैं ही करूंगा यार, वो तो भाई साहब पता ही चल जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाले जो लेवल 3 की जो जगह है गाइस वो इससे भी बहुत छोटी है, और उस जगह में सच में यार देखने में मजा आने वाला है कि आखिर में फाइट कौन जीतता है। अरे भाई मैं चलो यार नेक्स्ट जगह पर। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। यहाँ पर तो मामला गाइस एकदम 50-50 हो चुका है, मतलब चांसेस है कि गाइस शिंचन भी जीत जाए पिंचन भी जीत जाए। तुम लोग गाइस फटाफट से कमेंट में बताओ यार तुम्हें क्या लगता है। अरे मैं रह गया था यार, सॉरी शिंचन बैठ जा। सो गाइस तुम लोग फटाफट से यार कमेंट में बताओ यार तुम लोगों को क्या लगता है, शिंचन जीतेगा या फिर पिंचन जीतेगा। वैसे भाई साहब कल मेरे अकॉर्डिंग तो ये शिंचन जीतेगा। अच्छा भाई साहब तू बैठे बैठे बता रहा है। भाई साहब कल बिल्कुल मैं बता सकता हूँ ये शिंचन ही जीतने वाला है। अच्छा तुझे कैसा लग रहा है भाई साहब, तू याद कर पहली बार में कैसे इसने अजीबो गरीब सा दाव खेल के भाई साहब पिंचन को हरा दिया था। दोबारा से यही कुछ दिमाग लगाएगा और भाई साहब हरा देगा इसे। अच्छा और ये जो पिंचन है ये भाई साहब फिर से उसके चाल में फंस जाएगा। भाई साहब हाँ यार ये तो पिंचन भोला भाला है, तो दूसरी बार जीता कैसे ये तो बता। भाई साहब दूसरी बार तो गलती से शिंचन उधर गिर गया था, तुक्का लग गया इसका, इसीलिए जीत गया, वरना ये ना जीतने वाला था। अच्छा वो तो बेटा अभी पता चल जाएगा। देखते हैं गाइस जो लास्ट लोकेशन है वो है गाइस ये वाले बिल्डिंग, ऊपर की साइड तुम लोग सामने की तरफ देख सकते हो। अरे फैमे ये बिल्डिंग तो बहुत छोटी है। बिल्डिंग छोटी है? अरे फैमे मतलब बिल्डिंग का जो टॉप है वो तो छोटा है। अबे भाई साहब तभी तो इसे मैंने लेवल 3 में शामिल किया है। गाइस फाइनली इस वाली बिल्डिंग से तय होगा कि आज के हमारे नॉकआउट चैलेंज का विनर कौन है। अरे अब चलो भी, अरे आ गए गाइस। बिल्डिंग का टॉप तो देखो यार तुम लोग कैसा अजीबो गरीब है, और गाइस काफी ज्यादा छोटा है, मतलब एक घूसा जहाँ किसी को सही जगह पे पड़ गया वो नहीं टिकने वाला भाई, वो नीचे सीधे जाने वाला है। अरे फैमे वैसे इस बार तुम कहाँ खड़े होने वाले हो? इस बार मैं भाई साहब कहाँ खड़ा हूँ, इस बार मैं काम करता हूँ उधर सामने वाली बिल्डिंग पर चला जाता हूँ, या फिर नीचे खड़ा हो जाता हूँ, उधर से ही देख लूंगा उधर सामने से। अरे फैमे ठीक है यार जाओ, अब हमें जीतने का मौका दो। अच्छा शिंचन तुझे पक्का पता है? अरे यार ये क्या जीतेगा, मैं जीतेगा। अच्छा पिंचन ठीक है गाइस, वो तो अभी पता चल जाएगा कौन जीता है दोनों में से। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार लेवल 3 पर हम लोग आ चुके हैं आज के नॉकआउट चैलेंज में, और यहाँ पर आमने सामने है वापस से शिंचन। अरे फैमे यार मैं जीतूंगा, अरे नहीं मैं जीतूंगा। मैं भाई साहब कल यार मेरी तो बोली भाई साहब शिंचन पे है। ओके सो गाइस देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो 3-2-1 स्टार्ट करो तुम लोग फाइट। अरे ये रहा मेरा पहला फटका और ये पिंचन आउट भाई साहब। अरे फैमे तो गलत बात है, मेरे को मौका ही नहीं मिला। भाई साहब यार पिंचन तू क्या सो रहा था? अरे यार मेरे को लगा कि यार आराम से फाइट करेंगे, इसने तो सीधे लात मारी और मैं नीचा है। अबे यार गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब सा ही सीन हो गया, एक लात में गाइस पिंचन सीधे नीचे। अरे फैमे यार मजा आ गया, मैं जीत गया। गाइस सच में यार यहाँ पर तो शिंचन भाई साहब मान जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा चालाकी से जीत गया। जैसे ही मैंने कहा गाइस 3-2-1 भाई साहब सीधे एक पटैक लात मारी गाइस पिंचन के, और गाइस पिंचन आउट। ओ भाई साहब क्या ही तगड़ी चीज हुई। अरे फैमे अब तो मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है भाई आ जाओ। पिंचन भाई तू ठीक तो है? अरे ठीक तो हूँ लेकिन मैं हार गया यार। कोई बात नहीं हम तो ऐसे ही नॉकआउट चैलेंज करते रहेंगे। अरे मेरे पास तो पैराशूट ही नहीं था। अबे तू पागल हो गया, बिना पैराशूट के कूद रहा है? अरे कोई नहीं चलो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ यार आराम से। गिर गया। ओ भाई साहब यार ये तो फाइट काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। वैसे जो भी कहो गाइस यहाँ पर जो शिंचन ने फटका मारा
भाई सब क्या ही बुरी तरीके से गिरा है पिंचन। भाई पिंचन चोट तो नहीं लगी ज्यादा? अरे हड्डी पसली सब तोड़ दी यार। ओ भाई सच में? अरे मजाक कर रहे यार। वैसे भाई साहब शिनचैन तू क्या रेडी है अपना प्राइज लेने के लिए? अरे हाँ बिल्कुल यार, वैसे मेरा प्राइज है क्या? चल चल भाई रास्ते में तुझे बताऊंता हूँ मैं। आ जाओ फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। वैसे बात साहब कल मैं कह नहीं रहा था यार शिनचैन ही जीतेगा। हाँ हाँ अब चल। वैसे बात साहब ये प्रेडिक्शन लगाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ओए चुप हो जा, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। अब आज साहब ये तो गलत बात है कलुए, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ओके सो गाइस फटाफट से यार अभी हम लोग जल्दी से निकलते हैं सीधे शिनचैन का प्राइज लेने के लिए। अरे अब जल्दी ले चलो यार, अब और इंतजार नहीं होता। अरे भाई साहब ले चल रहे यार, ले चल रहे। गाइस यार ये लोग भी बहुत ही ज्यादा उतावले यार अपनी मस्त वाली चीज देखने के लिए। अरे वैसे गिफ्ट में है क्या? बताते हो वैसे शायद मैंने तुम्हें बता दिया है। अरे मैं नहीं तो यार नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया, ठीक है तुम्हें मैं अपना चमचमाता हुआ गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकर चलता हूँ यार। अरे वैसे यार बताओ तो है क्या वो, कोई घर है क्या? ओ चल रे पागल हो गया क्या, इतना खर्चा नहीं कर सकता मैं, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। अरे तो फिर भी यार क्या है? अरे ले चल रहा यार ले चल रहा हूँ। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से जाकर यार अभी वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना यार। अब आज साहब भाई यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल वाले आइकन भी प्रेस कर देना। वैसे बाद साहब कल अगली बार ये नॉकआउट चैलेंज हम दोनों करेंगे। अच्छा फिर का बाद साहब तुझे तो मैं ऐसा पटका मारूंगा तू मेज बैंक बिल्डिंग से नीचे क्या तू लॉस सेंटोस से बाहर चला जाएगा। अच्छा तेरे में इतना दम है? अब आज साहब बिल्कुल ठीक है करते हैं गाइस करते हैं, देखते हैं नॉकआउट चैलेंज करते हैं कि नहीं। फिलहाल तो गाइस अभी जल्दी से पहले इसका तो गिफ्ट दे ले। सो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं फाइनली आज के नॉकआउट चैलेंज का प्राइज लेने के लिए, और एक्चुअली लेने के लिए नहीं यार शिनचैन को देने के लिए। अरे वैसे प्राइज है क्या, दिखाओ तो। बिल्कुल दिखाएंगे भाई, थोड़ा तो सबर कर। अरे नहीं हो रहा सबर यार। अरे यार सबर करो ना शिनचैन यार, मैं एक तो जीता नहीं यार, सबर नहीं हो रहा। अब भाई साहब पिंचन इतना क्या गुस्सा हो रहा है यार? अरे गुस्सा तो आएगी यार, अच्छा खासा जीतने वाला मैच में हार गया। कोई बात नहीं भाई, अगली बार चैलेंज जीत जियो, इतना गुस्सा मत हो। मैं भाई साहब यार कल भी अब तू प्राइज नहीं देगा तो वो तो गुस्सा होता ही रहेगा। मैं भाई शिनचैन गुस्सा नहीं हो रहा, पिंचन गुस्सा हो रहा है। अरे नहीं मैं भी गुस्सा हो रहा यार, प्राइज कब दोगे? अच्छा दोनों गुस्से हो रहे हो, ठीक है प्राइज तुम्हारा सामने रेडी है। अरे फैबे यार इतनी बड़ी जगह? अबे जगह गिफ्ट नहीं कर रहा मैं, वो गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। अरे फैबे यार क्या मस्त गाड़ी है। रुक जा अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं। अरे दिखाओ। वैसे यार ये प्लेटफॉर्म तुमने गाड़ी के लिए ही बनवाया है क्या? स्पेशल गाड़ी के लिए बनवाया था मैंने ये प्लेटफॉर्म, स्पेशली तुम लोगों को गिफ्ट देने के लिए। अरे वाह यार, इसको टच करते ही गाड़ी चमकती है। हाँ ये स्पेशल मैंने एक इफेक्ट लगवा रखा है इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे ही कोई गाड़ी इसको टच करती है ना ये प्लेटफॉर्म चमकता है, शायद एक बार चमकता है पता नहीं कितनी बार, बट चमकता है। अरे अब चलो यार एक बार इस गाड़ी में भी सैर कराओ। ठीक है आ जाओ फटाफट बैठो यार। चलो भाई मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक तू यहीं पर रह। ठीक है भाई साहब कल भी ठीक है। वैसे तुम लोग बता नहीं रहे यार गाड़ी कैसी लगी? अरे फैमे गाड़ी तो एकदम जबरदस्त है यार, ओपी है, मजा आ गया यार, क्या ही जबरदस्त गाड़ी है यार। इसकी आंखें तो देखो, इसका नाक तो देखो यार, इसका मुंह तो देखो, कलर तो देखो यार, क्या ही जबरदस्त है भाई साहब। एक सेकंड दो मिनट सांस तो ले ले। अरे यार इतनी बढ़िया गाड़ी है की तारीफ करते मैं थकी नहीं रहा, और इसकी स्पीड तो देखो यार गाइस। हाँ यार सच में इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा तगड़ी है, और साथ में गाइस गाड़ी का कलर, गाड़ी के पहिया और गाड़ी के लाइट्स भी देखो यार। अरे हाँ यार जबरदस्त है, रात को चलाने में तो और ही मजा आएगा। हाँ रात को तो गाइस इसे चलाने में अलग ही फील आएगा। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी है तो फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। अरे रुक जा यार थोड़ा, रात को देख कर जाते ये गाड़ी कैसी लगती है। तो गाइस यार ये देखो ये गाड़ी रात को कितनी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। अरे फैमे यार ये तो कुछ ज्यादा ही गदर है।